कंधे उठाओ। पचपन पचपन नंबर जल्दी खड़ो मुझे उठाओ। जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि अभी इंडियन आर्मी की भर्ती आने वाली है, एयरफोर्स की भी आने वाली, नेवी की आने वाली है, तो बहुत सारे बंदों को, सबसे ज़्यादा बंदों को, अभी जो पतले बंदे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी बंदे फैटी बंदे आ रहे हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी के लिए भी, जैसा कि अभी भर्ती आने वाली है अग्निवीर की, जैसा कि आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा और सरकारी रिजल्ट में शो भी कर रहा होगा, ऑनलाइन भी शुरू हो गए कुछ, यानी वायुसेना के शुरू हो गए, स्थल सेना के भी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें से नौकनी वाली प्रॉब्लम, यानी ये समझ लो कि पैरों का कौन कौन सा मेडिकल होता है, आज इस वीडियो में फुल डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सब कैमरा अंदर ले थोड़ा। सबसे पहले जो पैरों का मेडिकल होता है आपका, वो होता है नौकनी का। अगर आपके ये दोनों घुटने आपस में जुड़ते हैं तो आप प्री मेडिकल चले जाएंगे या मेडिकल से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपके ये जो अंगूठे होते हैं, इधर करना, इधर थोड़ा कैमरा पास लाना, आपके ये जो अंगूठे होते हैं, ये जो हड्डी होती है किसी किसी बंदे की बाहर निकली होती है, ये इधर होता है और कुछ उंगलियां जो होती हैं जुड़ी होती हैं उसमें भी पॉइंट होता है, और आपका कुछ उंगलियां जो कटी फटी होती हैं एक्सीडेंट की वजह से उनमें भी दिक्कत होता है। अगला पॉइंट होता है कि अगर इसमें से किसी का नहा नहीं है, यानी नाखून नहीं है सॉरी, तो वो भी रिमेडिकल चला जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इधर, अगला पॉइंट है पैर उठाओ, अगला पॉइंट जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका फ्लैट फुट का। अगर आपका फ्लैट फुट है तब भी आप रिमेडिकल जाएंगे और मेडिकल से अनफिट हो सकते हैं, लेट जा पेट करें। अभी क्या होता है, अगला पॉइंट पैरों का ये भी होता है कि अगर यहाँ से आपका पैर लूज है ज़्यादा, किसी किसी बंदे का ना ये एरिया बाहर की तरफ निकलता है और ये पैर लूज होता है, ठीक, ये तो भी रिमेडिकल चला जाएगा। अभी कारण मैं बताऊँ, खड़ा जल्दी से इधर को प्रेस कर इधर। अभी ये कुछ बंदों का ना, ये जैसे बंदा पीछे पैर करेगा तो ये वाला एरिया बाहर की तरफ निकलेगा, यानी ये शेप में नहीं पहुँचेगा, ये बिल्कुल इस तरह पहुँचेगा, तो वो भी रिमेडिकल चला जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि इसमें कम से कम 5-6 पॉइंट होते हैं। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपना डॉक्टर से सलाह ले और सही करवाए। चलो 40 70 पैर जोड़ो, दोनों पीछे हाथ करो, पैर जोड़ो जल्दी से, पैर जोड़ो अंगूठे जोड़ो जल्दी। अभी क्या करना है, जैसे किसी किसी बंदे का ये पूरा जुड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बंदों का फैट होता है, जैसे इस बंदे का फैट है, अब इसको प्रॉब्लम ये है कि मेरी नौकनी है, लेकिन ये बंदा रनिंग करेगा और इसका ये फैट जाएगा, क्योंकि हड्डी तो इसके अंदर है, हड्डी नहीं जुड़ रही। पैर जोड़, पूरा अंगूठा जोड़, पीछे को पैर कर, गैप कर, ये देखो पूरा गैप हो रहा है, इसका नौकनी नहीं है, सिर्फ इसका मांस जुड़ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो उस डाउट को क्लियर करो, एक्सरसाइज पैरों की करेंगे, रनिंग करेंगे, तो ये जो फैट है ये कम होगा और आपकी नौकनी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। इधर देखें, अभी इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसका पूरा गैप है और गैप आपका यही चाहिए, जो पैरों का गैप होता है, नौकनी का गैप होता है, यही चाहिए। किसी किसी बंदे का ना, यस पीछे घूम, किसी किसी बंदे का क्या होता है ना, पैर उठा, किसी किसी बंदे का क्या होता है कि ये पैर, ये भी बिल्कुल बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी पूरा सपाट होता है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। अभी यहाँ पर गैप है, काफ़ी गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 75 पैर जूते उतार जल्दी से, मुझे अभी देखो, अभी मैं बता दूं, एक बंदा, एक नौकनी प्रॉब्लम और हो सकती है, किसी किसी बंदे का बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसका मतलब ये जो पैर होता है ये बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसमें भी आपको रिमेडिकल मिलेगा और पॉइंट भी मिल सकता है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ बहुत सारे बंदों के, जिनके जूते नहीं है, वो जूते हटा दे, खड़ा हो जाए, पैर जोड़े जल्दी से। जैसे इस बंदे को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अभी ये अपने पैरों को सही कर सकता है, ठीक है, बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं, समझ गए, ये गैप चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये पैर भी ऐसे और क्लोज कर थोड़ा, ये तो नॉर्मल है, चला किसी किसी बंदे का पूरा इतना गैप हो जाता है, इतना हाथों में, उसको दिक्कत हो सकती है। सही है, सही है। अभी देखो क्या है, देखो इधर इधर, अभी क्या हो सकता है कि इस बंदे का इधर थोड़ा घुमाना,
इस बंदे के जैसे बाहर की तरफ पैर निकले हुए हैं, फैट भी ज़्यादा है इसका, ठीक है, कम कर दी पैर जोड़। अभी ना इसका बिल्कुल गैप नहीं है, क्योंकि यह देखो फैट बहुत ज़्यादा है, ये फैट जब कम होगा तो इसका अपने आप सही हो जाएगा। यस पैर जोड़, सीधा खड़ा रहे, पैर जोड़, पीछे को ज्यादा पैर मत कर, अभी इसका भी मांस बहुत ज्यादा है, ये पूरा फैट है ना, पीछे कर थोड़ा, पैर पीछे को कर, पैर जोड़, पीछे को कर,